जब महिला ने पति को गैर महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा, महिला ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस। मामला उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर का है। महिला को जानकारी मिली कि उसका पति किसी गैर महिला के साथ जयनगर के एक विला में रुका है। इसके बाद महिला ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि मौके से पति फरार हो गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल, मैं हूं अर्जुन कुमार और मैं इस वक्त मौजूद हूं जयनगर नंबर 4 में। आपको बता दें, वाक्या 5 जुलाई का है। बीते 5 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसके तमाम तरीके के आरोप थे कि उनके ससुराल पक्ष द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, फिर उनको तरह तरह की उनको यातनाएं दी जाती हैं। उसके बाद आ जाइए 15 जुलाई को, कि 15 जुलाई का ये मामला था। 15 जुलाई को इनके उस महिला के पति का पक्ष भी जाना गया था कि क्या है उसका कुल मिला के निचोड़। इसकी जांच भी एसपी सिटी अभय प्रताप जी कर रहे थे, उसका निचोड़ निकल के ये आया है। आज ये वाक्या तमाम तरीके के आरोप दोबारा से उसके पति पक्ष में लग रहे हैं, ससुराल पक्ष में लग रहे हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं जयनगर नंबर 4 में, ये वही महिला है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। आज दोनों पक्षों से खबर पड़ताल ने बातचीत की थी, प्रमुखता से इस खबर को हम लोगों ने खबर पड़ताल पर दिखाई थी। क्या है पूरा मामला, आज का क्या प्रकरण है? आज का ही प्रकरण है, देखो इन्हें अवैध विवाह किया है, पहले मुझसे शादी करी, अब अवैध विवाह करके कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं उस औरत के साथ नहीं रहता हूँ, ये मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाती है। आज मैंने नंगे हाथों पकड़ा, मेरे नन नंदोई सास तीनों चारों सब यहाँ पे मौजूद है, रेशम देवी, दुर्गा प्रसाद, रानी, ये मेरे नंदोई और वो जो औरत है नाम लक्ष्मी है उसका, वो भी नंगे हाथों मैंने उसको इस घर में पकड़ा है, घर में हैगी, निकल के नहीं आ रही है, बुला रही हूँ, पति के साथ मेरे रहती है, अवैध संबंध बना के, गंदे संबंध, बेकार गंदी औरत है वो, अपने पति को अपने बच्चों को सबको छोड़ के आके मेरा घर बर्बाद करने में लगी पड़ी है। और मेरी 3 बेटियां, मुझसे कहता बेटा पैदा करो, बेटा पैदा करो, मैं बेटा नहीं कर पा रही, तो उन्हें दूसरी औरत रख रखी है, दूसरी औरत के साथ गलत संबंध बना रहा है, गलत संबंध बना के उसके साथ रहना चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है, डिवोर्स देना चाहता है, और वो औरत इसको धमकी दे रही है, क्या कह रही है वो मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में, पर वो गंदी औरत है, वो पहले भी 2 को छोड़ के भाग चुकी है, उसका पति हैगा, उसके पति को यहाँ बुलाया जाए, सामने बात करी जाए और उसको बताया जाए कि उसकी औरत है या नहीं, कितनी गंदी है कितनी सही है। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं अपने 3 बच्चों को पालना चाहती हूँ, 3 बच्चों के साथ रह जाए, मैं इंसाफ चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस ये मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है, वो दूसरी औरत को लेके रह रहा है यहाँ पर, और वो औरत जब देखो 3 बार मैंने पकड़ लिया उसको, आज फिर तीसरी चौथी बार पकड़ा है, कब तक मैं इसके पीछे भागूंगी, कब तक पकड़ूंगी, मैं अपने बच्चे नहीं पालूंगी, अपने बच्चों को नहीं देखूंगी, क्या बताइए। तो आपने क्या औरत से अपने पति से बातचीत करने की कोशिश की है क्या? मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने समझाया, पति के पैर भी पकड़े, ये सब गंदे काम छोड़ दो, आपकी 3 बेटियां हैं, बोले मुझे तो बेटी चाहिए नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए, ये सास नंदे मारती है, ये भी कहती है तुझसे लड़का होगा नहीं, तेरा वंश आगे नहीं चलेगा, और इससे हम लड़का पैदा करेंगे, इसको रखेंगे, इससे वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सब लोग मिलकर इसका साथ दे रहे हैं, मेरी सास, मेरी नंदन, मेरे नंदोई और इसके फैमिली वाले सब उसका साथ देते, मुझे गलत अभी ठहराते हैं, गलत आरोप लगाते मेरे पर, झूठे झूठे बहुत गंदे गंदे मेरे पर आरोप लगा के मुझे छोड़वाना, डिवोर्स दिलवाना चाहते हैं, और ये जो औरत भाग कर आई है अपने बच्चों को पति को सबको छोड़ के, उनको बुलाया जाए, इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, अच्छे से जानकारी निकाली जाए, अगर मैं गलत हूँ तो इसको इसका पूरी इंक्वायरी आपको निकालनी चाहिए, अच्छे तरीके से निकालनी चाहिए। आपको बता दें वाक्या 5 जुलाई का है, सोशल मीडिया पर एक बार आपको फिर बता दें हम अपने व्यूअर्स को कि सोशल मीडिया पर एक महिला का, ये वही महिला है जिनका रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है, साफ तौर पर इनका ये आरोप है कि इनको बेटा नहीं है, इसलिए आज के युग में जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक बहुत अच्छा स्लोगन चल रहा है, आजकल के जमाने में देखिए बेटियां किसी से कम नहीं हैं, आप देख सकते हैं आज इस तरीके के आरोप इन पे लग रहे हैं ससुरालियों पक्ष से कि जब तक आपका बेटा नहीं होगा आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तमाम तरीके की बातचीत है। आइए कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या आप आई हैं यहाँ पर, क्या मामला क्या? अरे ये सही है अपनी जगह में, ये हर जगह गई, चौकी गई, थाने गई, डीएम के पास, एसबी के पास, सबने इसको ये, उसने इसके पति ये कहता है मेरे संग वो औरत नहीं रहती, मैं इसकी बहन हूँ, 12 साल इसकी शादी को हो गए, 12 साल से इसे ये नहीं दिखा कि मेरी बहन इसके साथ मैंने शादी कर रही है, 12 साल हो गए इसके साथ रह रहा था, जब नहीं देखा कि बेटा हो रही है, बेटी तीसरी बेटी होते इसने नाटक चालू कर दिया मेरी बहन के साथ, और मेरा बाप भी इसी अटैक में खत्म हो गया, मेरे बाप से इसने 2 लाख रुपया मंगाया और कह रही है 2 लाख
लाख रुपए लेके आ, 2 लाख रुपए लेके आई ये। जब कोई दामाद अपने अपने ससुर दामाद को पैसे देता है तो कोई लिखत पढ़त में करके तो देता नहीं है, ठीक है। मेरे बाप ने पैसा दिया, मेरे बाप ने पैसा मांगा तो अटैक में पड़ गया, 3 बार मेरी बहन ने इसे पकड़ा। और जब मेरा बाप यहाँ आ रहा तो रात को मेरे बाप को अटैक पड़ गया, मर गया मेरा बाप। तो इससे ज्यादा शर्मदार इंसान कौन होगा? दूसरी औरत को रख के संग में रह रिया है ये। मेरी बहन को कह रहा है कि तू लड़का पैदा नहीं कर रही, मैं दूसरी औरत से लड़का पैदा करूंगा। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार की बातें यहाँ पर हो रही हैं, कि तमाम तरीके के आरोप उन पे लग रहे हैं कि जब तक आपका बेटा नहीं होगा तब तक आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। या देख सकते हैं आप इनकी पत्नी, जो कि उनकी पत्नी है, तमाम तरीके के आरोप अपने पति पर लगा रही हैं कि वो 3-3 बार करके किसी अन्य महिला के साथ पकड़ा गया है। जी ये 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 वही घर है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा आपको दिखाएं आपको कि वही घर है कि जहाँ पर इनकी पत्नी ने अपने पति को ऐसा आरोप लगाया है कि वो अंदर है या रंगे हाथों पकड़ा है। ये वही घर है, जयनगर नंबर चार का ये मामला है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर 5 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वही महिला है, रोती हुई महिला है, जिन्होंने तमाम तरीके के आरोप अपने पति पर लगाया था। उसके बाद खबर पड़ताल ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था और 15 जुलाई को इनके पति का पक्ष भी जाना था। दोनों तरफ उसका निचोड़ निकल के देख लीजिए, आज ये आया है। हम इस वक्त मौजूद हैं जयनगर नंबर 4 में। तमाम लोग यहाँ पर, पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं। ये वही घर है जहाँ पर आज का ये मामला पूरा हुआ है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में साफ तौर पर इंसाफ की गुहार लगा रही है ये महिला, पुलिस को आपने सूचना दी है, क्या कुछ सुनवाई हुई? चौकी, पुलिस थाने सब में शो करा, मेरा कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। एक जगह सीओ साहब के पास गई थी, उन्होंने थोड़ी मेरी सुनवाई की थी और उसके नाम का केस करवाया था। वो केस चल रहा है अभी, उसका क्या हुआ मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली अभी तक, और मेरी सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो मैं कुछ भी कर बैठूंगी, पर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हर औरत शादी के बाद ऐसी करने लगी तो वो कहाँ घर बसाएगी अपना? अगर उसे बेटा नहीं मिला तो उसके क्या बोलते, घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे कहाँ जाएंगी औरतें बताइए आप? मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एसपी दरोगा जहाँ है सब में ठोकरे खा के थक चुकी हूँ। मैं कुछ भी कर लूंगी, अगर मैं अपनी जान भी दे दूंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरी 3-3 बेटियां हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना है, कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये कुछ कर बैठेंगी, इस तरीके का ये कह रही हैं। हालांकि हमारे रुद्रपुर पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है इसकी। अब मैं एक बार फिर आप अपने सहयोगियों से कहूँगा कि वो घर दिखाएं जिस घर का ये आज ये मामला सामने आया है। आज अब देखना ये होगा कि पुलिस कहाँ तक इसकी जांच करके इस महिला को इंसाफ दिलाने की इंसाफ दिलाती है। अपने सहयोगी अजय कुमार के साथ मैं अर्जुन कुमार, खबर पड़ताल, नमस्कार।